स्टूडेंट दिस इज पंकज धीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एस बी एस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर वी आर स्टडिंग द लॉ ऑफ एविडेंस एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एन एक्सपर्ट वट आर द मैटर्स फॉर विच ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स मे बी बाय द कोर्ट वेदर सच ओपिनियन इज बाइंडिंग तो यहाँ पे जो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपर्ट कौन होता है और कब एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है कोर्ट ले सकती है और क्या एक्सपर्ट की ओपिनियन जो होती है वो कोर्ट पे बाइंडिंग होती है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप देखिए एविडेंस लॉ में जो है एक्सपर्ट uh, ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कई बार हमें चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है और उन चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें उस चीज़ से रिलेटेड जो पर्सन एक्सपर्ट होता है उसकी एडवाइस लेनी पड़ती है कोर्ट भी ऐसे ही करती है कोर्ट के सामने कई बार बड़े सारे टेक्निकल इशू आते हैं मेडिकल इशू होते हैं बड़े सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसपे कोर्ट के पास उसकी अच्छी खासी जानकारी नहीं होती है तो उस कंडीशन में उस मैटर्स से रिलेटेड जो है एक्सपर्ट ओपिनियन उसी प्रोफेशन से के बंदे से ली जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सपर्ट बोलते हैं तो एक्सपर्ट कौन होता है और कब कोर्ट जो है इसकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है और क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन बाइंडिंग होती है कोर्ट पे ये सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनरली द एविडेंस ऑफ दैट पर्सन इज रेलिवेंट रिगार्डिंग एन फैक्ट दैट हैज़ द नॉलेज ऑफ द फैक्ट जनरली एविडेंस जो है उस पर्सन का ही वैलिड माना जाता है जिसको उस फैक्ट uh, के बारे में नॉलेज हो ऑनली ओपिनियन इज नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस ओपिनियन जो है जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एविडेंस लॉ में बट समाइम सच सर्कमस्टांसिस ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ऑन एनी इफेक्ट इन ईशू बिकम इम्पॉर्टेंट लेकिन कई बार ऐसा होता है ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जब हम जब हमें किसी फैक्ट uh, से रिलेटेड या फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड जो है किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ती है जनरली सच सब्जेक्ट्स आर ऑफ टेक्निकल नेचर ऐसे सारे सब्जेक्ट जो कि टेक्निकल नेचर के होते हैं और कोर्ट में वो फैक्ट एंड इशू भी है तो उस कंडीशन में इन टेक्निकल मैटर्स पे expert वहां पे एक्सपर्ट की एविडेंस एक्ट 1872 सेवन टू डॉट गिव एनी डेफिनेशन ऑफ द टर्म एक्सपर्ट सेक्शन फोर्टी फाइव द वर्ड स्पेशली स्किल्ड फॉर द एक्सपर्ट तो सेक्शन 45 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ये बताता है कि एक्सपर्ट कौन है जो कि स्पेशली स्किल्ड है जिसके पास कुछ ना कुछ स्किल है वो एक्सपर्ट है मीनिंग देयर बाय इज दैट अ पर्सन हैविंग स्पेशल स्किल इन द सब्जेक्ट मे बी कॉल्ड एन एक्सपर्ट इसका मतलब यही हुआ कि जो कोई भी पर्सन जो कि अपने सब्जेक्ट में एक स्पेशल स्किल रखता है उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सपर्ट बोलते हैं जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो होंगे उसको कितना खासा अच्छा खासा नॉलेज होगा तो काफ़ी टाइम से वो आ, फिंगर फिंगरप्रिंट प्रिंट जो होते हैं उनके एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है सो एक वो एक्सपर्ट बन सकता है जनरली अ पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज एंड कैपेबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपर्ट जनरली उसी पर्सन को हम जो है एक्सपर्ट बोलते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में स्पेशल नॉलेज और कैपेबिलिटी रखता है बिकॉज ही स्पेशलाइज इन दैट सब्जेक्ट क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है सम टाइम एक्सपीरियंस ऑल्सो इंक्लूडेड क्योंकि और उसमें कई बार जो है एक्सपीरियंस भी देखा जाता है कि उस मैटर में जिसमें वो स्पेशलाइज है उसको उस मैटर में कितना एक्सपीरियंस कितना है दस टू थिंग्स में भी रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट के लिए आपके पास जो है दो चीज़ों आप किसी को एक्सपर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे ये दो बातों पर डिपेंड करता है उस पर्सन को उस सब्जेक्ट पे स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और उसको उस सब्जेक्ट पे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अ पर्सन हु हैज़ अपटेन स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बाय हार्ड वर्क एग्जामिनेशन कंटिन्यू स्टडी दैट पर्सन मे बी कॉल्ड एक्सपर्ट एक ऐसा इंसान जो कि अच्छा खासा स्पेशल नॉलेज गेन करता है एक्सपीरियंस गेन करता है किस तरीके से हार्डवर्क करके एग्जामेशन uh, दे के कंटिन्यू स्टडी करके हम उसी को जो है एक्सपर्ट जो है बोल सकते हैं तो होपफुली एक्सपर्ट आपको क्लियर होगा एक्सपर्ट वही ऐसा पर्सन होता है जिसको स्पेशल नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जो कि उसको बाय हार्ड वर्क एग्जामिनेशन और कंटिन्यूसली स्टडी से जो है मिलता है अब्दुल रहमान वर्सिस स्टेट ऑफ मैसूर 1972 का केस है इट हैज़ बिन स्टेटेड बाय द मैसूर हाई कोर्ट दैट एक्सपर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री मैसूर हाई कोर्ट ने इस केस में बोला था कि एक्सपर्ट के लिए कोई डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन केस 1972 का पुराना है आज का टाइम कुछ और है अलग अलग कोर्ट की अलग अलग जजमेंट हो सकती है एन एक्साइज इंस्पेक्टर हु हैड एग्जामिन सैंपल फॉर द एटलीस्ट ट्वेंटी वन ईयर एक एक्साइज इंस्पेक्टर है जो पिछले इक्कीस सालों से जो है वो सैंपल को एग्जामिन कर रहा है नमूनों को जो है एग्जामिन कर रहा है तो वो अपने आप में एक साइंटिफिक क्वालिटी रखता है और वो क्या है एक एक्सपर्ट है राम प्रसाद श्यामलाल के केसेस में ये बोला गया इन ऑल इट कैन बी सेड दैट द बिफोर एडमिटिंग द ओपिनियन ऑफ एनी एक्सपर्ट द कॉम्पिटेंस एज एन एक्सपर्ट मस्ट बी एग्जामिन बाल कृष्णदास अग्रवाल वसीज राधा देवी के केसेस में बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट इलाहाबाद कोर्ट ने दी और बोला कि जब भी आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन को एडमिट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जामिन कर लें कि वो जो एक्सपर्ट है वो जो है उसकी एक्सपर्टनेस जो है उसको एक बार एग्जामिन जरूर कर लेना चाहिए कि वो कितना एक्सपर्ट है आ, किशन सिंह वर्सेस एन सिंह ए आई आर नाइनटीन एटी थ्री पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट केसेस में सर्टिफिकेट ऑफ डीफ एंड एडमिटेड इन द एविडेंसिंग द प्रिंसिपल एज एन एक्सपर्ट अगर एक आ, गुंगे और बहरों का जो स्कूल है वहाँ पे अगर प्रिंसिपल कोई सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसके सर्टिफिकेट को जो है हम एक एक्सपर्ट जो है उसको हम एक्सपर्ट मान सकते हैं और जो भी उसने उस में जो सर्टिफिकेशन की है वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन हम मान सकते हैं बट द ओपिनियन ऑफ द ऑथर इन द बुक इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट लेकिन ऑथर बुक का जो कोई ऑथर होता है और उसमें उसने कोई अपनी ओपिनियन दी है वो एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होगी और ना ही उसके बेसिस पे किसी को पनिश किया जा सकता है वो उसकी ओपिनियन है वो उसमें एक्सपर्ट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है स्टेट ऑफ एमपी पी संजय राय के केसेस में ये बोला गया सो so, एक्सपर्ट आपको क्लियर है और कोर्ट भी जब भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेती है तो वो इस चीज का ध्यान रखती है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ओपिनियन दे रहा है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है और कितना नॉलेज उसको उस फील्ड में है अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन का मैटर इन विच द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इज रेलिवेंट और मे बी ऑप्टेन बाय द कोर्ट ऐसे कौन से मैटर होते हैं जिसमें कोर्ट जो है किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकती है और एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है एक रेलिवेंट एविडेंस uh, जो है वहाँ पे बन जाता है सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट मेन्शंस द केस इन विच द कोर्ट कैन टेक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट लाइक व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरन लॉ और ऑफ अ साइंस और आर्ट और एज टू दिडेंटिटी ऑफ द हैंड राइटिंग इम्प्रेशन द ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉर लॉ साइंस और आर्ट इन द क्वेश्चन एज टू द आइडेंटि हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन आर रेलिवेंट फैक्ट्स सच पीपल आर कॉल्ड एक्सपर्ट तो यहाँ पे सेक्शन फोर्टी फाइव में बताया है कि कहाँ पे कोर्ट जो है ओपिनियन एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है वैन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन कोर्ट को किसी मैटर पर कोई ओपिनियन चाहिए मैटर कौन कौन से हैं फॉरन लॉ साइंस के बारे में आर्ट्स के बारे में आइडेंटिफाई हैंड राइटिंग और फिंगर एक्सप्रेशन के लिए और जो इन सभी मैटर्स में फ़ॉरन लॉ साइंस आर्ट्स में जो स्किल्ड पर्सन होते हैं हम उन्ही को जो है uh, या फिंगर इम्प्रेशन के बारे में या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एक्सपर्ट बोलते हैं और इनकी एडवाइस जो है कोर्ट ले सकती है एक्सपर्ट एडवाइस दे ले सकते द कोर्ट कैन टेक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स इन द फॉलोइंग मैटर्स फॉरन लॉ के बारे में साइंस के बारे में आर्ट्स के बारे में हैंड राइटिंग के बारे में और फिंगरप्रिंट और इंप्रेशन के बारे में जो है एक्सपर्ट ओपिनियन जो है कोर्ट ले सकता है द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट कैन ओनली बी अपटेन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन चाहिए इन सभी मैटर से रिलेटेड तो कोर्ट पहले ऑर्डर करेगा तभी ऐसा होता है विदाउट टेकिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आप कोई भी फॉरन कोई भी ओपिनियन वहाँ पे नहीं दे सकते हैं विद ओपिनियन इज ऑन द पॉइंट रिलेटेड टू द फॉरन लॉ साइंस आर्ट्स और एग्जिस्ट ओपिनियन ऑन ऑन दी सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट मे बी रिलाइड ऑन अपॉन तो इन सभी केसेस में जो है एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है अब यहाँ पे बताया कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जिसपे जो है एक्सपर्ट uh, ओपिनियन हो सकता है उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया foreign law. Foreign law law है फॉरेन लॉ फॉरेन लॉ वो लॉ होते हैं जो कि हमारे इंडिया में इन्फोर्स नहीं है और ना ही एक कोर्ट को उनके बारे में ज़्यादा समझ हो सकती है और किसी मैटर में अगर फॉरेन लॉ इन्वॉल्व है तो हमें उस फॉरेन लॉ को समझने के लिए उस फॉरेन लॉ को जो अच्छे से बता सकता है जो उसको जानता है उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी उसकी एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी और वो जो है एक एक्सपर्ट जो है माना जा सकता है देखिए, कोर्ट कैन टेक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट और एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ। फॉरेन लॉ मीन सच लॉ विच इज नॉट इन्फोर्सड इन इंडिया द रीजन बिहाइंड इट नॉलेज ऑफ लोकल लॉ कैन बी पज्यूम्ड इसके पीछे रीजन यही है कि आपको लोकल लॉ का तो नॉलेज हो सकता है अपने देश के लॉ का तो नॉलेज हो सकता है लेकिन फॉरेन के लॉ का आपको नॉलेज नहीं होगा हो सकता कोर्ट को भी ना हो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कोर्ट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द फॉरेन लॉ हेंस दिन एनी क्वेश्चन इज टू द फॉरन लॉ अराइजेज द कोर्ट कैन टेक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ दैट लॉ जो उस लॉ का एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन वहाँ पे ली जा सकती है अजीज बानू वसी मोहम्मद इब्राहिम हुसैन के केस में ये बोला गया several टाइम अ क्वेश्चन arises that हु shall बी considered एन एक्सपर्ट ऑफ foreign लॉ तो बड़ी बार ये क्वेश्चन सामने आया है कि किसको हम फ़ॉरेन लॉ का जो है एक्सपर्ट माने वेदर सच पर्सन मस्ट बी द प्रोफेशनल पर्सन इन द केस ऑफ विल्सन वैसे के विल्सन केसेस में ये बोला है कि फॉरन लॉ को समझाने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत नहीं है जो उस लॉ को अच्छे से जानता है आप उसकी एडवाइज ले सकते हैं तो पहली बात यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन से मैटर हैं जहाँ पे एक कोर्ट जो है एक्सपर्ट एडवाइस ले सकती हैं तो फॉरन लॉ के मामले में है कोर्ट जो है एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं दूसरा साइंस और आर्ट के बारे में अब साइंस जो है अपने आप में एक डिफरेंट uh, सब्जेक्ट है आर्ट भी अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और हो सकता है कि कोर्ट को इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो तो और कोर्ट को किसी पर्टिकुलर मैटर में जो है साइंस और आर्ट के बारे में एक ओपिनियन चाहिए उस मैटर से रिलेटेड को ओपिनियन चाहिए तो उस कंडीशन में वो स्किल्ड पर्सन से जो है एडवाइस ले सकते हैं व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एनी सब्जेक्ट ऑफ द साइंस और आर्ट अगर कोर्ट ने अपना को ओपिनियन जो है साइंस और आर्ट के ऊपर देना है तो उस कंडीशन में स्किल्ड पर्सन uh, जो होगा उसकी एडवाइस ली जा सकती है जैसे एग्जाम्पल आपके पास ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर कैन बी टेक एज टू द इंजरीज ऑफ द पर्सन बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट तो साइंस के बारे में बात करें तो डॉक्टर की एडवाइस हमेशा ली जाती है कि किसी पर्सन को इंजरी कैसे हुई और ये डॉक्टर जो है एक पूरी सही एक्सपर्ट ओपिनियन वहाँ पे दे सकता है क्योंकि वो इस मैटर में एक्सपर्ट है वो साइंस में इस मेडिकल साइंस में क्या है एक्सपर्ट है रामस्वरूप बस स्टेट ऑफ यू पी में ये बोला गया है इन द टर्म द साइंस एंड आर्ट मस्ट बी अंडरस्टूड इन द वाइडर सेंस इसको वाइडर सेंस में समझना जरूरी है इट इंक्लूड ऑल दो सब्जेक्ट स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस ओपिनियन ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे एक स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर कोई ओपिनियन इनके रिगार्डिंग बनानी है तो टू नो द करेक्ट एज एंड द रीजन ऑफ द डेथ द ओपिनियन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर साइंस की बात करें तो अगर डेथ uh, uh, का रीजन जानना है और करेक्ट एज जाननी है तो अब मेडिकल ऑफिसर की ओपिनियन जो है होती है और हम आर्ट्स की बात करें तो नो द रियलिटी ऑफ द फॉल्स फ्रूट ऑफ द कॉइन कई बार गलत कॉइन बनाए जाते हैं उनकी नकाशी इस तरीके से की जाती है कि लगते हैं कि ओरिजिनल कॉइन है तो एक आर्ट है तो मिंट मास्टर की जो सलाह है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है तो साइंस और आर्ट्स में दोनों सब्जेक्ट में जो है के ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पे हमें स्पेशलाइज एक्सपर्ट की एडवाइस लेने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है फील्ड द साइंस और आर्ट सेविंग ओरिजिनल ट्रेड प्रोफेशन स्किल ये सारे जो है आर्ट्स हैं और इनकी जो है ओपिनियन केवर जो है कोर्ट को इन मैटर्स के रिगार्डिंग जो है ओपिनियन केवर कोर्ट को लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू अमीर अली फॉर द पर्पज ओपिनियन द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी अ टेक्निकल नेचर सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए जो कि टेक्निकल नेचर का हो तभी उस पे जो है, कोई ली जा सकती है अमोल चौहान वर्सेस ज्योति चौहान का केस है एंड ट्वेल्व uh, का केस है मध्य प्रदेश कोर्ट का अ पिटीशन वाज फाइल्ड बाय द वाइफ फॉर द डायवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द हजबोर्टेंसी वाइफ ने हजबैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स की पिटीशन लगाई है कि वो नपुंसक है द इम्पोर्टेंसी ऑफ द हजबैंड कैन ऑनली भी प्रूव्ड बाई मेडिकल एग्जामिनेशन अब हसबेंड की जो इम्पोर्टेंसी है नपुंसकता है उसको तो मेडिकल एग्जामिनेशन से ही प्रूव किया जाता है कोर्ट अलाव करती है मेडिकल एग्जामिनेशन क्योंकि ये एक साइंस का सब्जेक्ट है और डॉक्टर जो होगा वही अपने एडवाइस यहाँ पे दे सकता है एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है और उसी से जो ट्रुथ बाहर आ सकता है द कोर्ट स्टेटेड दैट एज टू द नो इनफोन फंडामेंटल राइट ऑफ द आर्टिकल ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही ये किसी इंडियन uh, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की वायलेशन है क्योंकि इसी से ट्रुथ सामने आएगा और ना ही ये माना जाएगा कि वो अपने ही अगेंस्ट वहाँ पे विटनेस जो है दे रहा है जो कि इन क्रिमिशन लॉ जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी पार्ट थ्री में पढ़ा है वहाँ पर कोई भी वायलेशन नहीं मानी जाएगी हैंड राइटिंग एंड फिंगर इंप्रेशन वेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू देंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन ऑफ एनी पर्सन दैन ओपिनियन ऑफ स्किल्ड पर्सन ऑन हिस सब्जेक्ट कैन बी अपटेन कई बार कोर्ट के सामने ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे आपको जो है uh, पर्सन की हैंड राइटिंग को पहचानना होता है या उसके फिंगरप्रिंट को जो है ट्रेस करना होता है तो उस कंडीशन में कोर्ट को एडवाइज चाहिए होती है एक्सपर्ट पर्सन uh, की ओपिनियन वहां पे चाहिए होती है कि एक्चुअली में ये किसके फिंगर uh, इंप्रेशन है या किसकी हैंड राइटिंग है वैन अ पर्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट देन हिज सिग्नेचर में एग्जामिंड बाय द देंडराइटिंग एक्सपर्ट अगर कोई पर्सन जो है ये मना कर देता है कि ये उसके सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पे नहीं है तो फिर उसके सिग्नेचर को जो है जो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर हुए हैं ये उसके सिग्नेचर नहीं है तो उस कंडीशन में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सकती है पता लगाया जा सकता है कि क्या ये उसकी सिग्नेचर है या उसके सिग्नेचर नहीं है वेंकट लक्ष्मिया वसी वेंकटप्पा के केसेस में ये बोला गया ऑन डिनाइल ऑफ द सिग्नेचर बाय द डिफेंडेंट इन द सूट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ पाथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसी नोट सच सिग्नेचर में बी सेंट टू द एक्सपर्ट टू नो द ट्रुथ इसमें भी यही बात है कि अगर कोई जो है प्रोमिसी नोट पे जो साइन हुए हैं उनको मना करता है तो ट्रुथ पता करने के लिए जो है उनको सेंड किया जा सकता है एक्सपर्ट को लेकिन चेक ऑनर डिसऑनर के चेक जो होते हैं डिसऑनर चेक के जो मामले होते हैं वहाँ पे जो है चेक को जो है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए नहीं भेजा जा सकता श्याम सुंदर बसेस बसी अजंत याचरी के केसेस में ये जो है बोला गया सिमिलर वेयर द डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज डिस्प्यूटेड अगर किसी मैटर में किसी डॉक्यूमेंट की जो डेट एंड टाइम है वो जो है डिस्प्यूट का मैटर है ओपिनियन ऑफ हेंड राइटिंग एक्सपर्ट में डॉक्यूमेंट तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो होता है उसकी हेल्प ली जा सकती है कि डॉक्यूमेंट कितना पुराना वहां पे है बट सच एग्जामिनेशन मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम इन द केस ऑफ रीनु देवी के डिया सीता देवी द एग्जामिनेशन आफ्टर थ्री इज नॉट हेल्ड टू बी प्रॉपर बिकॉज द डिफरेंस इन सिग्नेचर में अक्कर इन द सच लॉन्ग गैप तो यहाँ पे बताया कि बहुत लंबा टाइम जो है नहीं चाहिए क्योंकि अगर सिग्नेचर की जो है आप आ, जो है उनकी ओरिजिनलिटी चेक कर रहे हैं तो नौ साल का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे सिग्नेचर लिखने का करने का तरीका सम थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है uh, G. satya reddy government of andhra pradesh it has been said by the supreme court that the handwriting must be examined every very carefully Where the person only uses alphabet instead of mentioning his n full name in the signature there is a uh, reliability of that one should be should not be doubted तो कई बार क्या होता है कोई पर्सन पूरे साइन नहीं करता है सिर्फ अल्फाबेट यूज़ करता है तो उस टाइम पे उन सिग्नेचर को और अच्छे से एग्जामिन करना जरूरी है जी सत्या रेड्डी वैसे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के केसेस में ये बोला गया इट इज़ अपॉन द डिस्क्रिप्शन कोर्ट टू एक्सेप्ट टू नॉट ओपिनियन दैंड राइटिंग एक्सपर्ट विजयनंदी वर्सिस श्रीमती पी भागवलक्ष्मी के केसेस में uh, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्लियर बोला कि जो ये ओपिनियन होता है एंडराइटिंग एक्सपर्ट का इसको मानना नहीं मानना ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर में आता है वो चाहे इसको माने या ना माने अब यहाँ पे यही बताया गया है कि वेदर द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इज बाइंडिंग वी हैव सीन अब इट इज अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट नॉट फॉलो और नॉट द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट कोर्ट इज नॉट बाउंड टू एडमिट द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट तो यहाँ पे क्लियर है कि साफ लिख रखा है कि कोई भी जो एक्सपर्ट uh, ओपिनियन जो है ली गई है कोर्ट के थ्रू उसको मानना नहीं मानना ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे आता है इन द केस ऑफ कार्तिक उर्फ कृष्ण मूर्ति वर्सिस uh, कमलम्मा का केसेस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट uh, ने बोला द ओपिनियन ऑफ़ एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट इज हेल्ड टू बी अ वीक एविडेंस एविडेंस मस्ट बी कंसिडर्ड विद एक्स्ट्रा केयर एंड कॉशन तो जो uh, एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है एक वीक एविडेंस होता है और उसको पूरे एक्स्ट्रा केयर और क्वेश्चन के साथ जो है कोर्ट को यूज़ करना चाहिए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वर्सेस एमपी अली का केस है इट हैज क्लियरली बीन स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज मेयरली अ ओपिनियन ये एक ओपिनियन ही है ये जरूरी नहीं है कोर्ट इसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन वहां पे निकाल दे कोई डिसीजन वहां पे कर दे Uh, किशन चंद चंद्रवशी सीताराम के केसेस में ए आई टू थाउजेंड फाइव पंजाब हरियाणा द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट कैन नॉट बी मोर रिलायबल द स्टेटमेंट तो एक्सपर्ट ओपिनियन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि कोई एक विटनेस कोर्ट में आके जो विटनेस देता है तो टेस्टामनी जो कोर्ट में आके की गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सपर्ट ओपिनियन से इट इज क्लियर दैट द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस एंड देयर फोर इट इज नॉट बाइंडिंग इट इज अ रीजन दैट द कोर्ट कैन इट सेल्फ कंपेयर हैडराइटिंग टू रीच एनी कंक्लूजन तो आपने पढ़ लिया कि जो आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन है वो एक वीक नेचर का फॉफिडेंस है कोर्ट चाहे तो उसको फॉलो करे चाहे इसको फॉलो ना करें यह उनकी डिस्क्रिप्शनरी पावर पर आता है थैंक यू सो मच